Hello friends, in this question we have to find approximate value of the root for this equation lying between 2.5 and 3 by false position or regular falsi method. यहाँ पे already दिया है कि जो root है ये दो point के बीच में lie करेगा, तो आपको test करने का जरूरत नहीं है. तो simply आपको क्या करना है, x1 equals to 2.5 consider करना है and x2 equals to consider करना है 3. So हमेशा friends आप rough में एक पीछे जब भी आप paper लिखेंगे तो एक table बना लीजिएगा. एक जगह x1 comma y1 लिखिएगा और दूसरी जगह x2 comma y2 लिखिएगा, ठीक है. सो सबसे पहले स्टेप में तो आपको x1 एंड x2 फाइंड करना है. तो यहां पर x1 क्या है 2.5 एंड x2 क्या है 3. ओके, अब हम y1 एंड y2 फाइंड करेंगे कैसे, ये फॉर्मूले में पुट करके. तो इसे हम कंसीडर करेंगे f(x) और यू कैन से y. इसके अंदर पहले x की वैल्यू 2.5 देन 3 डालेंगे तो हमें y1 y2 मिल जाएगा. तो मैं आपको उस पार्ट को दिखाता हूं, ठीक है. सो देखिएगा, अब मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, देन आई विल गेट y1 इज -0.5875 व्हिच इज लेस देन 0. देन सिमिलरली मैंने x2 का वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट किया, देन यू विल गेट 1. तो आप देख सकते हैं 2.5 के लिए नेगेटिव है एंड 3 के लिए पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन हो रहा है. और जब भी ऐसा हो तो रूट ये दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा. कौन से दो पॉइंट के बीच में, 2.5 एंड 3 के बीच में, ठीक है. सो अब यहां पे फ्रेंड्स आपको ये जो मैंने टेबल बनाया है फिर से एक बार बनाता हूं. सो यहां पे मुझे पेयर मिले x1 comma y1 एंड x2 comma y2 के, ठीक है. सो x1 का वैल्यू मुझे मिला 2.5 एंड देन करस्पोंडिंग y1 का वैल्यू मुझे मिला -5.875. देन x2 का वैल्यू यहां पर मुझे मिला 3, देन y2 का वैल्यू मिला मुझे 1. तो अब आपको क्या करना है, रूट निकालना है एप्रोक्सीमेट किस फॉर्मूले से, x3 के. अब x3 का फॉर्मूला क्या है, पहले आप y2 minus y1 एंड डिनोमिनेटर में भी y2 minus y1 लिख लीजिए, फिर y2 को x1 से एंड यहां पर y1 को x2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये जो x1 y1 x2 y2 है ना इसको यहां पे पुट करके x3 निकालिए. सो आइए मैं आपको उस पार्ट को दिखाता हूं, देखिए. सो ये आपको इंग्लिश में लिखना है कि रूट विल लाई बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, ठीक है. सो नेक्स्ट में देखिए क्या लिखना है आपको, x3 का वैल्यू निकालना है एंड x3 का वैल्यू फ्रेंड्स यहां पे मुझे मिल रहा है 2.927. मैं x3 से क्या फाइंड कर रहा हूं, मैं रूट के करीब पहुंच रहा हूं, ठीक है. अब इस रूट जो x3 का वैल्यू आया है उसके लिए y3 निकालना है. कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में इस x3 का वैल्यू पुट करेंगे, देन यू विल गेट y3. सो देखिएगा यहां पर मैंने 2.927 यहां पे जब पुट किया तो मुझे आंसर मिला -0.266. अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो भी साइन आया है उसे चेक करना है. तो नेगेटिव है तब आपने जो पहले दो पेयर्स कंसीडर किए थे उसमें देखना है y किसका नेगेटिव है. तो आप देख सकते हैं x1 y1 में y1 नेगेटिव है तो इस पेयर को रिजेक्ट करना है. अब नया x1 y1 चूज करना है ये दो पेयर्स को, यानी x3 एंड y3 को. तो ऐसा आप टेबल बना के करना, कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स अब ये दो वैल्यू की जगह अब नए x1 हो जाएंगे मेरे 2.927 और y1 नया वाला हो जाएगा -0.266, ठीक है. अब इसके बाद x2 और जो y2 है वो एज इट इज रहेगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करना है. अब मान लीजिए कि यहां पर जो आंसर आता था वो पॉजिटिव होता था, फिर हम चेक करते थे किसका y पॉजिटिव है तो इसका था, तो इसे रिजेक्ट करते थे, इसे एज इट इज रहने देते थे, समझ रहे हैं. तो ये बहुत ही आसान है रेगुलर फॉल्सी के मेथड के क्वेश्चंस. सो देखिए मैं आपको नेक्स्ट इटरेशन दिखाता हूं, फिर आपको इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखने है कि रूट अब किन दो पॉइंट के बीच में लाई करेगा, ये दो पेयर और पहले के x2 y2, ठीक है. सो देखिए अब नेक्स्ट इटरेशन देखिए क्या होगा. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इटरेशन में मैंने यहां पर x1 एंड y1 एंड x2 और y2 को सब्स्टिट्यूट करूंगा अब मैं यहां पर x3 की इक्वेशन में. सो देखिएगा कैलकुलेशन को. सो जो हमने x3 की इक्वेशन बताई थी उसमें मैंने इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और मुझे क्या मिला, नया वैल्यू ऑफ x3. अब क्या करना है, नया y3 निकालना है. कैसे, वही पॉलीनोमियल की इक्वेशन में पुट करके. फिर आपको चेक करना है कि यहां पर साइन क्या है y3 का, तो y3 का साइन अगेन नेगेटिव है. फिर आपको चेक करना है पहले जो दो पेयर्स थे x1 y1 एंड x2 y2 के उसमें से किसका y नेगेटिव था. तो आप देख सकते हैं यहां पर इसका y नेगेटिव है, तब आप इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट. और अब नया x1 चूज करेंगे इसे, यानी 2.942 को, और नया y1 चूज करेंगे आप यहां पर -0.014 को, समझ रहे हैं. फिर ये नए x1 y1 एंड इस x2 y2 को यूज करेंगे नेक्स्ट इटरेशन में. बस ये आपको बार-बार दोहराते जाना है. यहां पे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखेंगे कि अब नया रूट किनके बीच में लाई करेगा, इस नए x3 एंड पुराने y x2 के बीच में, ठीक है. सो अब देखिए इटरेशन नंबर 2 में आपको दिखाता हूं. सो यहां पर फ्रेंड्स जो यहां पर ये 2 नहीं, ठीक है, बाय मिस्टेक आया. सो अब देखिए आप यहां पर कि x2 y2 जो है यहां पर ये फ्रेंड्स x1 है, ओके, दिस इज x1 y1. सो x1 y1 अब ये नए वाले वैल्यूज हो गए,
एंड एक्स टू वाई टू पुराने वाले हैं। तो अब मैं अगेन एक्स थ्री का इक्वेशन यूज करके इन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करूंगा और नया एक्स थ्री निकालूंगा, फिर इस एक्स थ्री को अगेन एफ ऑफ एक्स की इक्वेशन में पुट करके वाई थ्री निकालूंगा। फिर मैंने ऑब्जर्व किया वाई थ्री अगेन नेगेटिव आया, फिर अब क्या करेंगे, पुराना जो आया था नेगेटिव था उस पेयर को रिजेक्ट करेंगे, तो ये पेयर फिर से रिजेक्ट होगा और नया एक्स वन होगा 2.943 और नया वाई वन होगा ये -0.003। क्वेश्चन में बोला गया थ्री इटरेशन तक करना है, तो एक और इटरेशन करेंगे, आप एग्जाम में नहीं भी बोला रहेगा तो थ्री तक कर लेना, ठीक है। सो देखिए इटरेशन नंबर थ्री में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब ये नए एक्स वन वाई वन और पुराना जो एक्स टू वाई टू था वो एज इट इज रहेगा, एक्स थ्री की इक्वेशन में पुट करेंगे और आपको यहाँ पर मिल जाएगा रूट, ठीक है। अब इसके बाद आपको नहीं करना है, जिस इटरेशन में आप वैल्यू निकालेंगे एक्स का उसके बाद आपको वाई नहीं फाइंड करना है, वहां पर रुक जाना है, ठीक। पर तो भी आप वाई नया वाई निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स में पुट करके और आपको पता चलेगा नियर टू आपको आंसर जीरो मिल रहा है। तो देखा आपने कितना ईजी है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड पे।